बहुत जल्दी सेल होती है। मैंने भी पहली बार ऐसा फार्म देखा है जहाँ गाड़ी आने के मात्र एक घंटे के अंदर अंदर सभी भैंस चली जाती है। मांग इसकी? मांग कुछ भी नहीं, ऐसे 50,000 के देना उसको। अच्छा, वो तो भरा दे भी दी है, वो तो जा रही है। अच्छा अच्छा, ये किसको दी? अच्छा, 10 लीटर एक टाइम का, 10 लीटर। बढ़िया भैंस, देखिए आप 1,35,000 और भैंस सेल होकर जा रही है जो उज्जैन से। भैया पहले ले गए यहाँ से कितनी बार? 2 साल से ले गए। 2 साल से, मतलब 10 लीटर बोला, देगी है 10 लीटर? देती है, इतना बोलते इतना देती है। ले लेते भैया फोन। अच्छा, पहले कितनी भैंस ले गए आप अभी तक? 8-10 ले गए। इस साल ले गए? हाँ, इस साल भी ले गए। कब ले गए थे? महीना हो गया, एक महीना। कितने में ली थी? 90,000 में। कितना लीटर दूध दिया? 6 लीटर दूध। डेरी 6 लीटर? हाँ। मतलब विश्वास पात्र है व्यापारी? हाँ, बिल्कुल, जितना बोलते इतना ही दूध देती है। अच्छा, और कीमत? कीमत जैसे इन्होंने जो 90, कीमत बहुत बढ़िया लगी साकिर भैया के भैंस की। साकिर भैया, और प्लस में है 8-9 लीटर तक और ऊंची में है ना? ये कितना लीटर दूध? 10 लीटर टाइम का? हाँ, टाइम का। एक टाइम का 10 लीटर। जय श्री राम। नमस्कार किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में, जहां पर गांव है मगरखेड़ा, जहां गुजरात, मेहसाणा और बनी की भैंस पहुंचती है। तो गाड़ी पहुंची है साकिर भैया के यहां मगरखेड़ा। तो दोस्तों, गाड़ी अनलोडिंग हो रही है, उसके बाद पूरी भैंसों की डिटेल देंगे, जो हम एक साल बाद फिर इस मगरखेड़ा साकिब भैया के यहाँ पहुँचे हैं। तो गाड़ी अनलोडिंग हो रही है, जिसमें 8 से 10 से 12 भैंस है। बढ़िया बढ़िया भैंस पहुंची है, जो कुछ मीडियम हाइट में और कुछ बड़ी बड़ी भैंस थी। तो दोस्तों देखिए, अनलोडिंग हो चुकी है पूरी गाड़ी मगरखेड़ा में, जो साकिर भैया के फार्म पर। ये लास्ट भैंस देखने जा रहे हैं आप, फिर लेते हैं हम इसकी पूरी डिटेल। देखिए बढ़िया बढ़िया भैंस पहुंची है, जो कुछ मीडियम हाइट में और कुछ बड़ी बड़ी भैंस थी। सभी भैंस फार्म के अंदर पहुंच चुकी है। करीब साकिर भैया कितनी भैंस है आज? 9 भैंस है टोटल 9 भैंस बता रहे हैं। तो दोस्तों, पहले भी सुना था कि गाड़ी अनलोडिंग होती है, ग्राहक उसके पहले आके खड़े हो जाते हैं और मात्र एक घंटे में गाड़ी, जय श्री राम दादा, जय श्री राम, एक घंटे में गाड़ी सेल होती है। साकिर भैया की भैंस इतनी बढ़िया होती है। तो 9 भैंस देखिए आप, साकिर भैया जो शायद गुजरात से लाते हैं, पूरी जानकारी लेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए आप और अंत तक वीडियो देखिए, जिससे आपको एक एक भैंस की जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, मैं हूं आपका किसान साथी नरेंद्र प्रजापत, आप लोगों के लिए आज मगरखेड़ा, जो कि इंदौर से वीडियो लेकर आए हैं, जो इंदौर उज्जैन टोल टैक्स पर, इंदौर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं।
तो पूरी डिटेल लेते हैं साकिर भैया से और आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों अलग अलग डेयरी फार्मों पर जाकर आप लोगों को भैंस दिखा रहे हैं, अगर भैंस अच्छी लगे तो आप ज़रूर पहुँचे, हो सके तो मिल्किंग करना तो मिल्किंग करके ख़रीदें। तो साकिर भी के दिखा रहे हैं अच्छी भैंस है। साकिर भैया कितना दूध है इसके पास? एक टाइम का और ताजी जनी, कल तो जनी चिका खाली करा, कल जनी। कौन से लैक्टेशन में? दूसरे में है। मांग भैया इसकी? मांग 125। एक पच्चीस और छोड़ोगे कितने में अनुमान? एक पाँच। दूध की क्या है कैपेसिटी एक अनुमान, अगर कोई वीडियो देखकर आते हैं फिर भी 7 लीटर दूध दे देगी? 8 की बोलो आप। अच्छा 8 बोला तो 8 ही देगी, क्योंकि हम तो दो दो टाइम चेक करते हैं ना। अच्छा उज्जैन से आए हम। और अच्छा दादा आप उज्जैन से आए हो? कृष्णा जी यादव। उज्जैन में कहाँ से? चिल्ली पहलवान का नाम सुना होगा। अच्छा दादा दूध का काम है? हाँ जी भैया, आपने तो पहचान लिया मेरे को। जी आप भी उज्जैन से ही हो? मेरा मामा जी है। अच्छा आप फर्स्ट बार आए यहाँ? फर्स्ट बार आपका वीडियो देखा? अच्छा वीडियो देखा हमने, एक साल पहले बनाया था। हाँ, वो उसको देख के आए। जंगल का माले। तो दादा उज्जैन से पहुँचे हैं। तो साकिर भैया कहाँ गए? भैया साकिर भैया, तो साकिर भैया से जानकारी लेते हैं कि और ऊपर में कितने लीटर तक की भैंस इनके पास उपलब्ध हो जाती है। कीमत बहुत बढ़िया लगी साकिर भैया के भैंस की। साकिर भैया और प्लस में है 8-9 लीटर तक और ऊंची में है ना? ये कितना लीटर दूध? 10 लीटर। टाइम का? हाँ टाइम का। एक टाइम का 10 लीटर। और भैया कौन सा तीसरा में लग रही है? तीसरे में है ना। कितने दिन की जनी हुई साकिर भैया? ताजी है। और 8 दिन के हो गए। मांग क्या है इसका? तो 31। 31 मांग है, बहुत बढ़िया। 31 मांग रखी है। और साकिर भैया कितनी देर में भैंस बिक जाएगी? आधा घंटा मात्र। देखिए आप ग्राहक खड़े हैं। भैया आप कहाँ से आए हो? गांव कदवा से। कदवा? हाँ। जिला कौन सा लगता है? इंदौर। नाम आपका? बादर पटेल। तो कौन सी भैंस पसंद कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं। अच्छा तो ये पहले आपके पास आ गई होगी व्हाट्सएप पर? हाँ। है ना। हाँ, इनसे लेते भैया फोन। अच्छा पहले कितनी भैंस ले गए आप अभी तक? 8-10 भैंस ले गए इनसे। इस साल ले गए? हाँ इस साल भी ले गए। कब ले गए थे? महीना हो गया। एक महीना। कितने में ली थी? 90,000 में। कितना लीटर दूध दिया? 6 लीटर दूध। डेयरी 6 लीटर? हाँ। मतलब विश्वास पात्र हैं व्यापारी? हाँ, बिल्कुल, जितना बोलते इतना ही दूध देती है। अच्छा और कीमत? जैसे इन्होंने जो 90 में दी थी तो हाँ। वो आपको क्या मांगे थे इन्होंने? 1-10। मतलब गुंजाइश रहती है ना? हाँ, रहती है। अच्छा जैसे ये भैया अभी बता रहे इसका 1.25। हाँ तो ये कितने में एक अनुमान आपको लग जाएगी? 1-10, 1.15। तो देखिए आप ग्राहक भी संतुष्ट हैं। ग्राहक का इंटरव्यू लिया है हमने, जो कि उधर लाइव सौदा चल रहा है। ये डिस्कस क्या हो रहा है साकिर भैया कर रहे हैं, जो उज्जैन से बाबू जी पहुँचे हैं। भैया साकिर भैया कौन सी भैंस का सौदा चल रहा है? ये जो भी अपन ने बांधी बहुत बढ़िया पाड़ी है। इसका लाइव सौदा जो बाबू जी उज्जैन से हैं। भैया अरे खोलना है जरा। ए ना सर तू छोटा छोड़ के खोल के बता ना। बहुत बढ़िया पाड़ी दुजाट में है। और आज की गाड़ी की सबसे सुपर भैंस है, जो यंग भी है और दूध भी करीब निकालेगी साकिर भी 8 लीटर बता रहे हैं। तो ग्राहक बोल रहे हैं कि जो दूध बोलते हैं वो निकालती भी है, फिर भी थोड़ा सा अगर 19-20 अंतर माने तो मेरे हिसाब से 6-6.5 लीटर दूध की भैंस है। ये मेरा अनुमान, मैं सामने मुंह पे बोलता हूँ। बढ़िया भैंस। तो दोस्तों आप भी पहुँचे, अगर भैंस खरीदना है किसी भी कोने से आ सकते, ज़रूरी नहीं है। ये इंदौर से लगा हुआ गांव है, इंदौर से मात्र जो उज्जैन रोड जा रहा है, या उज्जैन से जब पहुँचते हैं आप तो
उज्जैन से पहुंचते हैं इंदौर तो टोल टैक्स आता है जो इंदौर में ही है। ये बिक गई क्या भैया? कितने लिए? ये वो बदर का माल है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दादा जी जा रहे हैं जी भैया। कहाँ से बता रहे हो? मच्छू खेड़ी। कहाँ है ये? अच्छा, तो यहाँ से पहले भैंस ले गए आप? पहली बार आए, वीडियो देख के आया हूँ। नाम आपका? देखिए आप, भैंस गाड़ी में ही सौदा हो जाता है, बस आके उतार के चल दी भैंस। भैया आपने लिए? कहाँ से आप? धतरावदा। कहाँ है ये? उज्जैन। उज्जैन के आसपास में है। कितने में हुई भैया भैंस? 1.35 में। दूध का क्या अनुमान बता? नाम? फारूक पटेल। फारूक भैया धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो देखिए आप, लगभग मेरे को लग रहा है वीडियो बनेगी उसके पहले पहले सारी भैंस सेल हो जाएगी। भैया दो थन में है या? क्यों इसके दो थन बता रहे हैं? शायद दो थन खराब है। क्यों साकिर भैया, दो थन ही है इसके? अभी हाल तो आयो। क्यों क्या दे रही? थन दो ही है। हाँ दो ही थन है। अच्छा। दो चालू है, दो बंद है। तो दूध कितना दे रही? अभी 4 लीटर दूध हाल है। इसका क्या कर रहे हैं? मांग इसकी? मांग कुछ भी नहीं, ऐसे 50,000 के देना उसको। अच्छा। वो तो भरा दे भी दी है, वो तो जा रही है। अच्छा अच्छा, ये किसको दी? अच्छा हाँ बाबू जी, आप कहाँ से बता रहे हो? मगर खेड़ा से ही हो। हाँ भैया, एक आपका नाम भैया? कहाँ से आप? मच्छू खेड़ी से। आपको कौन सी पसंद आ रही है भैंस? वो वाली पसंद है, वो पाड़ी। वो पाड़ी जो उज्जैन वाले दादा देख रहे हैं वही है ना? वो मुझे भी पसंद है और भैया को भी पसंद है। और हाँ भैया, किसका ये वो कर रहे ना वहाँ? आपको भी जम रही? जम रही ना, इनको भी वही जम रही। आपको भी जम रही, इनको भी जम रही। अच्छा, उनको भी जम रही और मेरे को भी जम रही वो भैंस। तो देखते हैं जो भैंस जम रही है वो किसके नसीब में होती है। और दो तीन भैंस सेल होकर जा रही है जो मात्र 10 मिनट हुए हैं, जो एक गाड़ी से उतरते ही चली गई वो दादा ले गए हैं। और दो भैंस ये 50,000 में दो थन वाली भैंस भी जा रही, देखिए आप। हाँ एलर्ट पाड़ी है। अच्छी भैंस, बड़ी हाइट में। और साकिर भैया खुद बता रहे हैं कि 10 लीटर दूध देने वाली भैंस है टाइम का, और मात्र शायद 1.20 के आसपास इसकी कीमत है। एक मीडियम हाइट की भैंस खोलते हैं। तो साकिर भैया इसके पास दूध कितना है? थोड़ा सा दूध इसके पास 8 लीटर। इसमें भी टाइम का? हाँ एक टाइम का। हाँ, इसके पास डाल देता हूँ, वीडियो आप देख लेना। अच्छा, और कीमत भैया इसकी? कीमत है इसकी 90,000। 90,000 देने के? नहीं तो मांगने के, 5-10 मांगो कुछ भी। हाइट तो बहुत छोटी और दुबली है भैया, दूध में है ना? है 8 लीटर। मैं आप बोले वीडियो डाल देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, बढ़िया भैंस। लाइव सौदा चल रहा है इधर और देखते हैं कौन सी भैंस का होता है। तो उनके दूध में ही देता हूं। आप मेरा नाम पूछना, कृष्णा यार। आप तो बता गए हो, इतना रिसोर्ट है यहाँ। मैं दूध आगे यार याद करेंगे तुम्हें यार। मेरे पास नहीं कर रहा है, मेरे पास आप समझदार हो, मेरे पास में समझो।
भाऊ जी बड़ी भैंस का चल रहा है सौदा? ये वाली जो अभी देख रहे थे अपन, कितने लगाए आपने? वो तो 90 मांग रहे हैं क्या? 90 मांग रहे हैं। अच्छा, जो बीच में जो हो जाए। हाँ। तो दोस्तों साकिर भैया इतने व्यस्त हैं कि वीडियो से कोई लेना ना देना उनकी वीडियो के लिए हम यहाँ पहुँचे थे, लेकिन ग्राहक की इतनी है कि कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं वो। साकिर भैया थोड़ा सा डिटेल तो हो गई वो भैंस छोटी वाली कितने में हुई? उनको दिए 88 की। 88,000 में? 90 बताए थे ना आपने। देखिए छोटी वाली भैंस 88,000 में सेल हो गई है, जो उज्जैन वाले बाबूजी ने अभी जस्ट खरीदी है, और करीब करीब सभी भैंस सेल हो गई है। दो भैंस और बची, एक बड़ी वाली है शायद, इसका भी सौदा देखते हम। अरे तो भैया ने बड़ी भैंस का 1,00,000 रुपए लगा दिए, और साकिर भैया देखते हैं क्या पोजीशन बताते हैं भैंस की। साकिर भैया आपकी क्या इच्छा है? क्यों क्यों साकिर भैया, क्या अनुमान है उस बड़ी का? ऊपर होगी 120, 120 से ऊपर ऊपर तो बराबर ही है यार। अरे वो तो हो गए तो ले जा। मैं तुम्हारे क्यों तो कहीं मैं तुम्हारे फोन पे क्यों तो थो था क्यों मैं तुम्हें क्यों मां करा तो ले लो अभी बेटा पूरा पैसा दांगा नहीं था। बड़ी भैंस का लाई सौदा देखिए आप साकिर भैया करने जा रहे हैं। अरे वो जो भी बताई पर आप फाइनल हुई गया अभी गई बात आप नहीं दांगा हो गया। देखिए साकिर भैया ने भैंस सेल कर दी है, जो 10 लीटर टाइम का दूध बता रहे थे, लेकिन 8 लीटर दूध देगी है भैंस, और मात्र 1,05,000, हो सकता है 1-2,000 की और गुंजाइश लेंगे साकिर भैया, ऐसा उम्मीद लग रहा है मुझे। तो दोस्तों आप भी पहुंचे, अगर भैंस खरीदना है तो एक बार फुल एड्रेस मोबाइल नंबर हम मेंशन कर रहे हैं आप लोगों को। आओ भैंस खरीद ली है हमें ले ली। देखो भैया ने लिए, एक बार फिर से इंटरव्यू लेते हम तो। भैया 2 मिनट भैया। हाँ। आपने खरीदी ना? हाँ, हमने। आपका नाम? हबीब भाई। कहाँ से रहने वाले? मच्छू खेड़ी। ये कहाँ है? ये सिपरा के पास। सिपरा के पास। तो ये भैंस अनुमानित ये साकिर भैया 10 लीटर का बोल रहे हैं। देगी दूध 10 लीटर देगी। 10 लीटर देगी। अच्छा, फिर भी 8 लीटर तो माने हम। क्या कीमत में ली? 1,05,000। 1,05,000 में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए दोस्तों मेरे को लग रहा है कि अगली बार साकिर भैया को 2 गाड़ी लाना पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देखकर अगली बार साकिर भैया 2 गाड़ी लाना पड़ेगी आपको। ठीक है, ये गारंटी मेरी। ये बाबा का जो है ना पैसे से जरा पेट नहीं भराया इनके। इनको वीडियो में बहुत बढ़िया। देखिए ये 90,000 में ये वाली भैंस।
एक और बढ़िया भैंस खड़ी है जो देसी क्रॉस ब्रीड है और दूध में अच्छी है। तो साकिर भैया इसका इसका क्या दूध है जो ये बाबूजी बात कर रहे हैं? दूध तैयार इसकी आपको वीडियो में दे सकता हूँ। 7 लीटर जिसके भी मैं दूध निकाला सारी की। और मांग इसकी मांगे 95,000। 95,000। तो साकिर भैया इतनी बड़ी भैंस अगर 1-5 में दी तो ये 95 में थोड़ा सा दे दी। वो रिश्तेदार है ना, ये इतना गड़बड़ करते हैं तो मैं देता नहीं। अरे किसी के पास वो तो रिश्तेदार ही आएंगे अधिकतर। तो तुमको क्या बोला मैंने? हाँ, पीस का। हाँ, धनी सब इनसे पूछो मैंने क्या बोला था। मैंने बोला नुकसान में दी। अच्छा, बेन के आ जल्दी यहाँ से। तो मुझे भी विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी बढ़िया कीमत में छूटी। वास्तव में मार्केट को देखते हुए बहुत बढ़िया गई है भैंस। 7 लीटर इस भैंस की जवाबदारी है। 95 मांगे और ये 85 तक हो सकती है। भैंस देखे जाती हुई। साला लगे कौन सी भैंस है भैया? ये सामने ये देसी था टाइप है ना। अरे ढोको यार, ये का तो खतो खलाड़ो गई भी। जो 7 लीटर दूध वो जो देसी क्रॉस में है भैया। अंदर दबाओ इनका रेट क्या बड़ा है। कितना कितना लगाया आपने? ये तो 70,000 लगाया। 70,000 आपकी इच्छा भैया? अब मेरी इच्छा में तो वो हाँ। दूर कर दिया उनने। इस भैंस का जो लाइव सौदा चल रहा है भैया, खरीदने वाले ने 70 लगाए हैं तो देखते हैं कितने में फाइनल होती है। तो दोस्तों ये था आज का मगरखेड़ा का अपडेट, जो आते ही आधे घंटे के अंदर सारी भैंस सेल हो गई है। जो एक दो बची है उसका भी डिस्कस चल रहा है। देखिए आप उधर साकिर भैया के साथ जो किसान भाई आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी सेल होती है। मैंने भी पहली बार ऐसा फार्म देखा है जहाँ गाड़ी आने के मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर सभी भैंस चली जाती है। तो कुछ होगा इस भैंसों में, हो सकता है बहुत बढ़िया हो। तो पूरी जानकारी एक बार साकिर भैया से लेते हैं हम। देखिए एक और बड़ी भैंस जो साकिर भैया बोल रहे हैं कि लुटा दिए मात्र 68,000 रुपए में, जो साकिर भैया ने दिए वो भैंस बैठी है इस फार्म की। दूसरे नंबर की भैंस थी वो, देखिए आप 500 देखते हैं ये वाली जो तीसरे बयान में ब्याई हुई लग रही है, वो दूध दे सकती है 6-7 लीटर। तो साकिर भैया वो भैंस आपने कितने में दी? कौन सी? ये बड़ी वाली 68,000 में। इतनी कम कीमत में? वो मेरे को कम के मिले, मैंने कम की दी। अच्छा, दूध 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 तो अच्छा है उसका, फिर भी 5 लीटर देगी, इससे ऊपर देगी, इससे ऊपर देगी। तो देखिए आप करीब करीब सब भैंस बिक गई। हाँ बिक गई। ये देसी रखी हुई है शायद, आपने ले ली? कितने में हुई? तो कर लेंगे घर का मीटर है। नहीं फिर भी बताओ तो। बड़ी क्या बांध दिया? शायद 70-75 हजार के आसपास हुई है। तो साकिर भैया बस 2 मिनट का टाइम दे, गाड़ी कब पहुंचती है आपके यहाँ? सुबह 9 बजे पहुंचती है। 9-10 बजे? नहीं 9-10 बजे कोई वार है कि कभी भी आ जाती है? तो आपसे कोई भैंस खरीदना हो तो कॉन्टेक्ट करे है ना। तो साकिर भैया पहले आप एड्रेस बताओ, ये क्या गाँव? मगरखेड़ा। और अरविंद हॉस्पिटल से जो उज्जैन रोड पर बारौली टोल नाका है। और इंदौर से कितना दूर है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और इधर पास में मतलब उज्जैन रोड है, उज्जैन देवास रोड है ना, उज्जैन इंदौर रोड है, इंदौर। हाँ तो दोस्तों आप पहुँचे, साकिर भैया आपके नंबर दीजिए 9893684264। अच्छा, और स्क्रीन पर भी मेंशन कर रहे हैं। और दूसरी चीज थोड़ा सा ये लोगों को बताओ कि अपनी भैंस कहाँ की है? गुजरात के बनासकांठा। मेहसाणा के? मेहसाणा के बाजू में बनासकांठा। बनासकांठा की भैंस है? अच्छा, है वही मेहसाणा जंगल की है। अच्छा अच्छा, तो जिसको भी भैंस खरीदना है आप कॉन्टेक्ट करें। और दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको भैंस नहीं मिलेगी, हो सकता है मैंने जितनी बार देखा फोन पे ही बिक जाती है ना भैया। वहाँ से खरीदते हैं और वीडियो डालते हैं तो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ भैंस बिक जाती। हो सकता है एक दो भैंस बचती है जो भी यहाँ उतरने के बाद
बिक जाती है। तो दोस्तों ये था आज के इस फार्म का अपडेट। तो कैसी लगी आपको यहाँ की वीडियो और हमारी मेहनत? अगर अच्छी लगी हो तो जोरदार सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर 9174878422। और दोस्तों कोशिश करें कि रात 8 के बाद ही कॉल करें, क्योंकि दिन में पूरी व्यस्तता होती है। तो ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लाते रहेंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे तो आपके पास जानकारी पहुंचती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय सियाराम, जय गौ माता, जय गोपाल, और सभी के माता पिता की जय हो।